हेलो बच्चों लेट सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इन टीलो फेज ऑफ माइटोसिस द माइटोटिक स्पिंडल ब्रेक्स डाउन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म दिस इज एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माइटोसिस की फेज स्टेज में क्या होता है कि स्पिंडल ब्रेक हो जाता है ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से फॉर्म हो जाती है तो अब ये बोल रहे हैं कि इस ये जो इवेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इस इवेंट्स के ऑपोजिट जस्ट उल्टे इवेंट कहाँ होते हैं यानी कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्म होना आपके स्पिंडल फाइबर का वापस से फॉर्म होना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेट होना तो ऐसा तो बस एक ही जगह पे होता है वो है आपकी प्रोफेज क्योंकि प्रोफेज इज जस्ट वाइस वर्सा और ऑपोजिट टू दी टीलो फेज स्टेज तो आपको क्वेश्चन अगर आए टीलो फेज का ऑपोजिट बताइए तो प्रोफेज और प्रोफेज का ऑपोजिट पूछा है तो टीलो फेज तो दो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं चलिए ऑप्शन में देखते हैं ए ऑप्शन प्रोफेज सही जवाब बी इंटरफेज गलत सी मेटाफेज गलत डी एस फेज बिल्कुल गलत सो दी फाइनल एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज प्रोफेज बिकॉज इसमें सारे इवेंट्स उल्टे होते हैं जो कि टीलो फेज में होते हैं और वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओके थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक